हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप देख रहे हैं पॉन्टिंग स्टेक चैनल। दोस्तों आज मैं एक अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं आपके सामने, जो कि है बोया M1 BY M1 माइक की। हालांकि इसका प्राइस अभी कुछ दिनों पहले 2000 था और हाल ही में इसका प्राइस कम हुआ है, तो अब दो मुझे मिली है 840 रुपये की। अब इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और ये बताएँगे क्या क्या फीचर्स में हैं और साथ ही साथ कि आप कैसे इसको सेट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन या कैमरा के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये कहाँ से ओपन होगा? यहाँ से ओपन होगा। तो इसे सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। कुछ ऐसे ओपन होगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसको ओपन करें, हाँ आप इसको ओपन कर लिया। इसके साथ हमको कुछ रीड करने के लिए कंटेंट मिले हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं कि इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कि नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये इसमें लिखा है, या कैसे सेट करना है ये भी इसमें दिया गया है। इसमें हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। या फिर ये दोस्तों कुछ कार्ड दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर आपको ऐसा कुछ एक लिफाफा पाउच मिलता है, इसके अंदर आपको माइक के पूरे कंटेंट्स मिलेंगे। तो ओपन करके देखते हैं। तो इसको जब हटाते हैं, इसमें अब कुछ नहीं है, इसको जब हटाते हैं तो हमको कुछ ऐसे कंटेंट्स मिलते हैं। ये जहाँ पर आप ये देख रहे हैं 3.mm जैक, एक लंबी वायर जो होनी चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और साथ साथ ये आपको एक बीच में कंडीशनर भी दिया गया है। ये दोस्तों माइक माइक का जो आउटपुट है ये, और इसके साथ आपको इसमें कुछ कंटेंट्स दिए गए हैं। पॉलीथीन में देख लेते हैं। ये दोस्तों ये जो फोम है जो माइक में लगाया जाता है वो इसमें दिया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको सेट करके दिखाता हूँ। तो इसको उल्टा से जैसे भी सेट कर लेंगे जल्दी से कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इसको हम सेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेट हो गया है हमारा माइक का फोम। और यहाँ पर एक और भी प्लग है जिसे कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई और भी डिवाइस में अगर लगाना चाहे तो, ये दिया गया है। फिर ये कुछ फिल्टर है। फिर आपको क्लिप एक मिलती है, ये दोस्तों क्लिप, जिससे आप माइक लगा सकें। फिर आपको एक सेल मिलेगा जिसको आप इसमें फिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन, ये क्लियरिटी से आप देख पाइए, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दोस्तों नज़र आएंगे, एक कैमरा एक स्मार्टफोन। अगर आप स्मार्टफोन से यूज़ करते हैं तो आप स्मार्टफोन, अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं तो आप कैमरा के ऑप्शन पर इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैं स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन पे। तो सबसे पहले इस सील लगाकर हम देखते हैं इसमें कैसे लगता है। तो इसको अब ओपन कर लेंगे आप ऐसे कुछ। अब ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको अपने माइक में। तो इसमें प्लस माइनस लिखा हुआ है, अब इसमें भी आप प्लस माइनस देख लेंगे तो इधर प्लस लगेगा इधर माइनस। तो आप उसी तरह के इस तरह आप दोस्तों सेट करेंगे, इस तरह से आप अपने सेल को इसमें सेट कर लेंगे जैसा कि मैंने सेट कर लिया। अब सेल सेट करने के साथ इसको फिर से आप बंद कर दीजिए। तो ये सेल तो सेट हो गया ये। अब इसको आप अलग हटा दीजिए, इसको आप, ये भी आप हटा सकते हैं। ये दोस्तों आपका माइक तैयार हो गया। आप यहाँ पर ये क्लिप लगा सकते हैं, यहाँ पर आप अपने कॉलर में लगा सकते हैं इसको। तो ये तो रही बोया M1 माइक। अब ये जो मैं आप रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे नहीं है, मगर मेरे आने वाले सभी वीडियोस इसी से मैं रिकॉर्ड करूँगा। जैसा कि आप पाउच दे सकते हैं, बोया M1 ये बहुत ही ट्रस्टेड माइक है, और अब किसी भी यूट्यूबर के पास जाएंगे तो सजेस्ट आपको यही करेगा। और ये आपको बहुत ही कम दाम पर मिल रहा है, 840 इस माइक के लिए बहुत ही सस्ता रेंज है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत महंगा था, अभी सस्ता हुआ है। तो आप जल्दी से जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैं मेरी डिस्क्रिप्शन में आप इसका परचेज लिंक जो फ्लिपकार्ट से मैंने खरीदा आप वहाँ से खरीद सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से खरीद लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स जरूर लिखें, और साथ साथ मैं अनबॉक्सिंग और क्रिकेट और टेक रिलेटेड सभी वीडियो लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। तो जय हिंद जय भारत।